चतुर केकड़ा एक बड़ी झील के किनारे एक बगुला रहता था। वो मछलियाँ पकड़कर खाता था, लेकिन वो बूढ़ा हो गया था और पहले की तरह मछली नहीं पकड़ सकता था। वो कई दिनों तक बिना भोजन के साथ रहा। मुझे एक योजना के बारे में सोचना है, अन्यथा मैं लंबे समय तक जीवित नहीं रहूंगा, बगुले ने सोचा। जल्द ही वो एक चतुर योजना के साथ सामने आया। बगुला उदास और विचारशील लग रहा था। पानी के किनारे बैठ गया। उसी झील में एक केकड़ा रहता था जो मिलनसार और विचारशील था। जैसे ही वो पास गया, उसने देखा कि बगुला कैसा दिखता है और उससे पूछा, तुम उदास क्यों देख रहे हो मेरे दोस्त? मैं क्या कह सकता हूँ, बगुले ने उदास स्वर में कहा। कुछ भयानक होने वाला है। वो क्या है, केकड़े ने उत्सुकता से पूछा। जब मैं आज सुबह यहाँ अपने रास्ते पर था, मैंने एक ज्योतिषी को यह कहते सुना कि अगले 12 वर्षों तक इन भागों में बारिश नहीं होगी, झील सूख जाएगी और हम सब मर जाएंगे। मैं काफी बूढ़ा हूँ, अगर मैं मर जाऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम सब इतने छोटे हो, तुम्हारे पास देखने और आनंद लेने के लिए बहुत कुछ है, बगुला ने कहा। केकड़ा झील में मछलियों के पास गया और उन्हें बताया कि बगुले ने उससे क्या कहा था। वे सब भय से भर उठे थे। अरे नहीं, हम क्या करें, हम सब मरेंगे, वे रोए। यहाँ से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ी झील है, मैं आप सभी को एक एक करके वहाँ ले जा सकता हूँ, बगुला की पेशकश की। सभी मछलियों को दिलासा दिया गया और वे एक एक करके बड़ी झील में ले जाने के लिए तैयार हो गईं। हर दिन बगुला एक एक करके मछलियों को उड़ाता था। वो अपनी लंबी चोंच के बीच एक जिंजली पकड़ लेता और उड़ जाता, लेकिन उन्हें किसी झील में ले जाने के बजाय वो कुछ दूर एक चट्टान पर उतरकर उन्हें खा जाता। फिर वो शाम तक आराम करता और झील पर लौट आता। कुछ दिनों बाद केकड़ा बगुले के पास गया। तुम मछलियों को दूसरी झील पर ले जाते रहे हो, तुम मुझे कब ले जाओगे, उसने पूछा। बगुला ने मन ही मन सोचा, मैं मछली खाकर थक गया हूँ, केकड़े का मांस एक सुखद परिवर्तन होना चाहिए। बगुला केकड़े को दूसरी झील में ले जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन केकड़ा इतना बड़ा था कि बगुला अपनी चोंच में ले जा सकता था। तो केकड़ा बगुले की पीठ पर चढ़ गया और उन्होंने यात्रा शुरू की। कुछ देर बाद केकड़ा अधीर हो गया। झील कितनी दूर है, उसने बगुला से पूछा। तुम मूर्ख, बगुला हंसा, मैं तुम्हें किसी झील पर नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तुम्हें उन चट्टानों से टकराने जा रहा हूँ और तुम्हें खाऊंगा जैसे मैंने उन सभी मछलियों को खा लिया, केकड़े ने कहा। मैं मूर्ख नहीं हूँ कि आप मुझे मारने दें, उसने बगुले की गर्दन को अपने शक्तिशाली पंजों में पकड़ लिया और दुष्ट बगुले का गला घोंटकर मार डाला।